नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ प्रेमचंद्र की कहानी जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अलारक्की के वेतन से कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 से 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी न कभी आ जाती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों महतारानियां थीं, किसी की भी तलब ना कटती, किसी पर जुर्माना ना होता, ना डांट ही पड़ती। खां साहब नेकनाम थे, दयालु थे, मगर अलारक्की उनके हाथों बराबर तार ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलारक्की की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अलारक्की के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी, उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी, उसी वक्त दरोगा ना जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। ना जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए, वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे, दरोगा के सामने उसकी कौन सुनेगा। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की 1/2 रुपए कट जाएंगे, 1/2 भी मिल जाएं तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही ना थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने धमकाने प्यार ने पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी, तो अलारक्की ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अलारक्की के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ी जार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अलारक्की का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है।
रोज तो इक्के पर आता था, नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए ने स्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा ने डांटकर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई। अलारक्खी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती। क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती हुजूर, गुजारा कैसे होता? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौटकर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अलारक्खी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थर थर काँपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अलारक्खी दोनों तलब लेने चले। अलारक्खी बहुत उदास थी। हुसैनी ने संतावना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही ना कटेगी, काटने दे। अब की से तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए कहाँ से कहाँ। बर्खास्त कर देगा तो कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहाँ तक रोए। तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछेगा नहीं किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो, गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और कहीं सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूँगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता होती तो दरोगा इतना जरिमाना करने पाता? जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है पगली। फिर भी अलारक्खी का मन शांत ना हुआ, मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, यह उसकी समझ में ना आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था, उसका रहस्य वह ना समझ पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता, उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है, निश्चय बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने असमियों से रुपए वसूली करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए, वेतन बटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अलारक्खी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अलारक्खी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अलारक्खी के नीचे था। अलारक्खी ने हताश आँखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया, घर चली जाए, यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अलारक्खी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह ना थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खंजासी ने पूरे 6 उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खंजासी ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है।
वह एक सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा, तो और क्या चाहती है, कब मिले, कुछ जरिमाना नहीं है। नहीं, अब की कुछ जरिमाना नहीं है। अलारखी चली, पर उसका मन प्रसन्न ना था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।